नमस्कार। शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। उपायुक्त ने निरीक्षण कर सभी बिरहोर परिवारों का आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड बनवाकर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं विभागीय योजनाओं द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाकर लाभान्वित कराने का दिया आदेश। कोरोना के चपेट में आया नगर थाना, मचा हड़कंप, फिलहाल थाने को किया गया बंद। श्रेय क्लब व यादव सेना ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन, 50 यूनिट रक्त का हुआ संग्रह। और झारखंड राज्य में मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। उपायुक्त द्वारा गांवा प्रखंड के कुनार बांग का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने बिरहोर परिवार को आवास की व्यवस्था कराते हुए नियमित रूप से खाद्य आपूर्ति उपलब्ध कराने की बात कही। जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थिति के मद्देनजर कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, इसे लेकर जिला प्रशासन पूर्ण रूपेण कटिबद्ध है। उपायुक्त के द्वारा गांवा प्रखंड के कुनार बांग का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने बिरहोर परिवारों को आवास की व्यवस्था कराते हुए नियमित रूप से खाद्य आपूर्ति कराने की बात कही। इनके बीच खाद्य सामग्री, दाल, चावल, अनाज आदि का वितरण किया गया। सर्वप्रथम बिरहोर परिवारों का आधार कार्ड व राशन कार्ड बनवाया जा रहा है ताकि उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। बिरहोर परिवारों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। साथ ही वर्तमान में जरूरतमंद एवं असहाय बिरहोर परिवारों को जिला प्रशासन द्वारा प्रति परिवार 2 डिसमिल जमीन मुहैया कराई जाएगी और प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य योजनाओं से लाभान्वित कराया जाएगा। निरीक्षण के क्रम में अनुमंडलाधिकारी खोरी महुआ, आकांक्षी जिला सलाहकार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गांवा प्रखंड के कुनार बांक में 5 बिरहोर परिवार, जिसमें कुल मिला के 24 सदस्य हैं, उनका सरकारी सुविधा देने का व्यवस्था आज से प्रारंभ किया जा रहा है। सबसे पहले इन सभी के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। आज एनरोलमेंट प्रक्रिया के माध्यम से सभी लोगों को उनका एनरोलमेंट आईडी उपलब्ध कराया जा रहा है। जल्द ही उनका इसके बाद आधार कार्ड आ जाएगा, जिसके बाद धीरे धीरे करके विभिन्न सरकारी सहायताओं को इन तक पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले राशन कार्ड बनवाया जाएगा और अभी वर्तमान में सुपात्र श्रेणी NFSA के माध्यम से इन्हें 1 क्विंटल चावल पहुंचाया गया है और जैसे जैसे इनके पास वो खत्म होगा, टीलर के साथ टैगिंग कर दी गई है, वो चावल इनको उपलब्ध करा दिया जाएगा और नियमित राशन इनको राशन कार्ड बनने के बाद उपलब्ध होगा। जैसे ही आधार आता है उसके बाद इनका जॉब कार्ड बनाते हुए इनको मनरेगा के कार्य में भी लगाया जाएगा। इनके लिए वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन जैसी आवश्यकता है वह भी स्वीकृत करा दिया जाएगा। आदिम जनजाति वर्ग में चुकी है आते हैं तो आदिम जनजाति पेंशन योजना एक अलग स्कीम चलती है जिसमें कि जिले में काफ़ी लक्ष्य है, वह इनको स्वीकृत करा दिया जाएगा ताकि इनके पास राशि भी उपलब्ध हो जाए। वर्तमान में इनको इनके लिए भूमि चिन्हित की जा रही है, इन्हें 2 डिसमिल भूमि प्रति परिवार उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसके बाद आगे प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य जो सरकारी सहायता होती हैं वो एक एक करके इनको उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना की चपेट में गिरडी का नगर थाना भी आ गया है। इस खबर से लोगों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल थाना को बंद कर दिया गया है। नगर थाना गिरडी के एक ASI जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही आला अधिकारियों के आदेशानुसार थाना को तत्काल सैनिटाइज कराया गया और सभी कामों को स्थगित करते हुए फिलहाल नगर थाना को बंद कर दिया गया है। अब जानकारी के अनुसार नगर थाना में कार्यरत सभी पुलिस वालों को कोरोना जांच कराना होगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। श्रेय क्लब व यादव सेना ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान 50 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। लॉकडाउन के बाद जिले में लगातार हो रहे रक्त की कमी को देखते हुए शुक्रवार को श्रेय क्लब व यादव सेना की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और रक्तदान किया। इस बाबत श्रेय क्लब के सचिव रमेश यादव ने बताया कि
लॉकडाउन के बाद सदर अस्पताल स्थित रक्त अधिकोष भवन में रक्त की कमी हो गई है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए शिविर का आयोजन किया गया। झारखंड राज्य में मास्क नहीं पहनने पर एवं सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने व सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर पुलिस द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 IPC की धारा 269, 270 व 188 के तहत FIR दर्ज किया जाएगा। सरकार के आदेशों के बाद यदि उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया गया तो कार्रवाई होगी। सीहोड़ी कॉलेज मोड़ पर शुक्रवार को मुफस्सिल थाना के ASI प्रमोद कुमार के नेतृत्व में एक जागरूकता अभियान चलाया गया, साथ ही मास्क व पंपलेट बांटकर लोगों को जागरूक किया गया। मास्क लगा के चलिए बांटने के लिए, क्या आप लोगों को अपना जान का परवाह नहीं है? बेसन लाने जाइए या कहीं जाइए, मास्क जरूरी है ना। आज COVID-19 के जिसे हम लोग आज फिर मास्क बांटने का काम कर रहे हैं, देख रहे हैं प्रायः लोग बिना मास्क के शहर में घुस रहे हैं, निकल रहे हैं। तो हम लोग अपने तरफ से मैं जो जहाँ तक हो रहा है सभी को बता रहे हैं कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क पहनकर और मैं 2 गज की दूरी बराबर बनाए रखना है एक आदमी से दूसरे आदमी का, यही सब मैंने जागरूक करने का काम कर रहे हैं हम लोग। कोरोना महामारी को देखते हुए भारतीय लोक कल्याण संस्थान द्वारा अम्बेडकर चौक पर राहगीरों के बीच मास्क का वितरण किया गया। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक के पास 18 जुलाई को कोरोना महामारी के मद्देनजर लोक कल्याण संस्थान द्वारा सैकड़ों लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान संस्थान के जिला संरक्षक मदन कुमार मंजनवे ने बताया कि वे कोरोना वायरस से बचाव के लिए नए तरीके का मास्क वितरित कर रहे हैं। इस मास्क में प्लास्टिक लगा हुआ है जो मुँह नाक व आँख को भी बचाएगा। इस प्रकार का समाज सेवा हमारा संस्थान लगातार करता आ रहा है। मौके पर उमेश कुमार, सोनू पांडे, देवेंद्र कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। मौके पर अवर निरीक्षक रंजन कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस मुहिम में IRB के जवानों ने लोगों को बिना मास्क व हेलमेट के घर से नहीं निकलने की सलाह दी। इस दौरान कुल 300 मास्क भी बांटे गए। जिला समन्वय भारतीय लोक कल्याण संस्थान नाची, ये रांची की एक संस्था है जो गिरिडीह में COVID-19 को लेकर कार्य कर रही है। बेसिकली COVID-19 के तहत हमारा जो काम है वो है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना और लोगों को कोरोना से बचाने के लिए जागरूक करना। इसके लिए उनका नाटक वगैरह भी हमारे यहाँ हो रहा है, जम्मू में हुआ है और शिवपुर में कर रहा है। इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने DC साहब से मिलना था और कुछ हमारे पास मास्क है जो देना था और वो मास्क जो अभी हमने बांटा, इससे एक फायदा है, ये थोड़ा हटके और मास्क है। लोगों का जो आदत है हाथ को मुंह और आँख कस के ले जाने के लिए, जिससे संक्रमण बढ़ने का ज़्यादा संभावना होता है, उससे बचाने के लिए के द्वारा जो किया जा रहा है, आप इसका स्पेशल यह देखेंगे, इस मास्क लगाने के माउथ कवर के साथ साथ आई कवर हो रहा है। इस आई कवर से क्या फायदे हैं कि हम लोग की आदत होती है कोई भी काम करो तुरंत ही अपने आँख को छूना ही खोना, तो छूने से पहले ये हमको ट्रांसपेरेंट को रोकेगा। इस तरह के जो हम लोग को अपना DC साहब से अनुमति के बाद हमारे संस्था के द्वारा जो इस तरह का मास्क वितरण किया जा रहा है, तो न केवल हम ही लोग परंतु अधिवक्ताओं के साथ साथ में अन्य पुलिस वालों को भी यह दी जा रही है कि जिन पुलिस वाले के पास मैंने मास्क ही नहीं देखा। सदर प्रखंड के 600 संपन्न परिवारों ने अपना राशन कार्ड विभाग को सरेंडर कर दिया है, लेकिन कुछ संपन्न परिवार हैं जिन्होंने अभी तक राशन कार्ड जमा नहीं किया है। राशन कार्ड नहीं जमा करने पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। सदर प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन ने एक बैठक करते हुए बताया कि वैसे संपन्न परिवार जिन्होंने राशन कार्ड बनाकर रखा था, लगभग 600 परिवार अभी तक अपना कार्ड विभाग में सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ संपन्न लोग राशन कार्ड रखे हुए हैं। यदि संपन्न परिवार के लोग राशन कार्ड नहीं सरेंडर करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सदर प्रखंड में लगभग 5,000 प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें 1,402 लोगों का स्वीकृत हुआ है। 1,250 प्रवासी मजदूरों को राशन मुहैया कराया जा रहा है। जो नए मजदूर आ रहे हैं
वे नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि संपन्न परिवार अपना कार्ड सरेंडर करे ताकि अत्यंत गरीब परिवार का राशन कार्ड बन सके। मेरी अपील है सभी कार्डधारियों से, खासकर जो संपन्न लोग हैं और वो राशन ले रहे हैं, उन्हें सरेंडर करने के लिए बार बार कहा जा रहा है, फिर भी उनके द्वारा सरेंडर की जो की गई है बहुत कम है। जिले के हिसाब से, प्रखंड के हिसाब से अभी तक हमारे पास लगभग 600 कार्ड सरेंडर किए गए हैं, जिनका डिलीशन का भी काम चल रहा है। और पुनः फिर सभी कार्डधारियों से मेरा निर्देश है कि वो तत्काल कार्ड को जमा कर दे, अन्यथा अब उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए हम लोग बाध्य हो गए। साथ ही हमारे प्रखंड में प्रवासी मजदूर की जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो अभी तक हम लोगों ने 5,000 से ऊपर का करा चुका है, इसमें से 3,500 को रजिस्ट्रेशन किया हूँ। और उसमें से 3,500 में से जो लेने लायक है, जिनका अप्रूव आया हुआ है, वो 1,400 अप्रूव हुआ है। 1,400 में हम लोग लगभग 1,250 को राशन मुहैया करा दिए हैं, बाकी को वितरण जारी है। अंतर्राष्ट्रीय नाट्य काउंसिल पुणे महाराष्ट्र की झारखंड इकाई ने समर्पित सेवा के लिए शनिवार को गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को प्रशस्ति पत्र देकर आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय नाट्य काउंसिल पुणे महाराष्ट्र की झारखंड इकाई के सौजन्य से कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में शनिवार को गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को समर्पित सेवा के लिए संस्था के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर आभार व्यक्त किया गया। साथ ही गिरिडीह जिले के उन तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों कर्मियों को जो दिन रात इस महामारी में भी अपनी सेवा निरंतर दे रहे हैं, इस समर्पण को सम्मान स्वरूप संस्था ने प्रशस्ति पत्र उपायुक्त महोदय के हाथ में दिया। प्रशस्ति पत्र अंतर्राष्ट्रीय नाट्य काउंसिल के केंद्रीय निदेशक सुशेंद्रु सेन गुप्ता के हाथों दिया गया। अनियंत्रित हवा एक घर में घुस गया जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा है और हजारों की क्षति हुई है। घटना पचमा थाना क्षेत्र के तेलोडी की है। गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग पचम्बा थाना क्षेत्र के तेलोडी गांव में एक हाइवा गाड़ी जो बिना नंबर का था, रात के 12 बजे अनियंत्रित होकर एक मकान में घुस गया। इससे 3 घरों को नुकसान पहुंचा। घर के सामने पहले से एक इनोवा कार खड़ी थी जो क्षतिग्रस्त हो गई। जब तक घर वाले बाहर निकलते तब तक गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया। गनीमत हुआ कि घर के लोग बाल बाल बच गए। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। बताया जाता है कि यह हाईवा कोडरमा के किसी व्यक्ति का है और यह गाड़ी पत्थर माइंस में चलता है। बीती रात्रि लगभग 11:30 बजे एक हाइवा जो है सो अनियंत्रित होकर के लगभग 2-3 घरों को तोड़ते हुए और एक वेगनार गाड़ी, नई गाड़ी खड़ी थी, उसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। वो मकान भी पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है और लगभग समझिए कि लोग जो है सो बहुत बाल बाल बच गए, क्योंकि बहुत लोग घर के अंदर सोए हुए थे और ये ईश्वर की कृपा है। अभी हम लोग ने जैसे ही ये घटना की जानकारी मिली, हमने तत्काल थाना को सूचित किया और प्रशासन आई है और अपनी कार्रवाई कर रही है। संवेदकों ने भवन निर्माण विभाग के निविदा के तहत कार्य आवंटन में संशोधन का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया है। झारखंड सरकार द्वारा भवन निर्माण विभाग के निविदा के तहत कार्य आवंटन में संशोधन का समर्थन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया है। साथ ही सभी विभाग जैसे पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग एवं अन्य विभाग में भी अविलंब इस नियम को लागू करने की मांग सभी संवेदकों ने की है। इस नियम के लागू होने से झारखंड में वर्षों से दबे कुचले एसटी, एससी व ओबीसी को सामाजिक अधिकार एवं आर्थिक आज़ादी मिलेगी। संवेदकों ने सरकार के इस फैसले की
विरोध करने वाले संवेदकों की निंदा की है। सरकार के इस फैसले का लगभग 35 संवेदकों ने स्वागत किया है। यह हेमंत सोरेन ने कि ओबीसी एसटी एससी ये संवेदक गण है, उन सबों को 0 से लेकर 25 करोड़ तक योजनाओं में आरक्षण दिया जाएगा। इस कार्य को हम लोग सभी ग्रीडियर जितने भी संवेदक गण है ओबीसी एससी एसटी समर्थन करते हैं, क्योंकि बहुत से संवेदक गण ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद साहब दुसाह से बैठे हुए हैं, अभी तक मौका उन लोगों को मिल पाया है। लेकिन ऐसी नियम आने के बाद हमें उम्मीद है कि जो दबे कुचले लोग हैं जिनको अभी तक काज नहीं मिला है उनको काज मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए सरकार को हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लगातार 7वें साल द लैंग्वेज पॉइंट के छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा में परचम लहराया है। यहाँ के छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। द लैंग्वेज पॉइंट के छात्राओं में दीपिका कुमारी ने प्रथम, नूतन कुमारी ने तृतीय तथा अमीषा सिन्हा ने 5वां स्थान प्राप्त कर संस्थान, अपने माता पिता व शिक्षकों का नाम रोशन किया है। तीनों ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता व संस्थान के निदेशक किशोर मंडल को दिया है। I am Amita Sinha, the student of Sri R.K. Mahila College. I got 5th position in the Giridhi district with the marks of 379 and 75.8%. Hi, I am Nutan Kumari. I am the student of R.K. Mahila College in Arts Faculty. I secured 383 marks in the intermediate examination and I got 76.6% and the 3rd position in the district. Student of the Model High School Pachamba, in this intermediate examination I got 386 marks with a percentage of 77.2% with a first topper in Giridhi district. I want to become an IAS officer. I would like to thank the language point director Sir Kishore Mandal and most help by my model high school principal Sir Subhas sir, and especially my parents, my mother, father and all my friends too. Thank you. कोरोना महामारी और विश्व शांति के लिए शिव मंदिर में लोगों ने 1.25 लाख दुर्वा का अभिषेक किया। 18 जुलाई को नगर थाना क्षेत्र के ऑफिसर कॉलोनी के पास स्थित शिव मंदिर में राजू केसरे ने कोरोना महामारी को भगाने, लोगों के दुख दर्द को मिटाने एवं विश्व शांति के लिए अपने परिवार के साथ शिव जी का 1.25 लाख दुर्वा से अभिषेक किया। राजू केसरे ने कहा कि मानव जीवन में खुशी लाने, कोरोना महामारी से छुटकारा पाने के निमित्त इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिला परिषद के सामने जगराता झंडा मैदान में होता था, इस बार कोरोना के लेकर जागरण का कार्यक्रम स्थगित हुआ और विश्व शांति के लिए कोरोना हटे जितना जल्दी भागे उसके लिए बाबा शिव जी के मंदिर में, माँ भगवती का मंदिर में इस कार्यक्रम 1.25 लाख धुबिया का अभिषेक हुआ। इसमें हम लोग का 6-7 घंटा लगा इस कार्यक्रम में और हम लोग सभी भक्त लोग मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबका सहयोग रहा और सुख शांति मिले, विश्व शांति मिले और सभी को खुशी मिले इस सावन का मौका में। विश्व शांति के लिए, कोरोना महामारी के लिए आज का दिन बाबा भोलेनाथ पर दुर्वा चढ़ाने से विश्व शांति होता है और सभी प्राणी को सुख समृद्धि मिलता है, यश मिलता है, लाभ मिलता है और जितना परेशानी है वह सब दूर हो जाता है। और कोरोना शांति के लिए यहाँ 1.25 लाख दुर्वा का जो है सो अभिषेक किया गया है आज, इससे विश्व शांति रहेगा, सबका मंगल होगा, जिसमें कि हमारे जय माता दी के राजू केसरी जी हैं, इनके तरफ से जो है सो सारा व्यवस्था किया गया। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।